नमस्कार, मेरा नाम मंजीत गौतम है। द इंक में आपका स्वागत है। इस वक्त जींद के नेहरू पार्क में मैं हूं और जैसा आप देख सकते हैं, कैमरामैन को दिखाई, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और जींद में कई दिनों से अनारकली का एक महिला है, अनारकली, उनका प्रकरण चल रहा है, उस विषय में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। हरीश रामकली जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, महावीर जी हैं, कि क्या मुद्दा है और क्यों वो लोग इकट्ठा हुए हैं। हरीश जी, क्या मसला है आज का? पाँच महीने से पहले से जो लंबित अनारकली का मामला है, जो लड़ाई झगड़े का मामला था दूसरे समुदाय के लोगों के साथ, उसमें अनारकली के साथ जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसके साथ जावे हैं और उसको न्याय दिलाने की जब तसल्ली दें उसने कि भाई हम तेरे साथ हैं, तेरे भाई हैं और तेरे साथ, ऐसा चौदह पूछांगे भाई क्यों नहीं FIR दर्ज करी और तेरे पर क्यों FIR दर्ज करी है। तो जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और समाज के लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता जब जाओ है तो SHO जो रोहतास ढूल है वहाँ का सिटी का, उसने सारे कार्यकर्ताओं के साथ इतना बुरा बदतमीजी से पेश आया, सभी के गले पकड़ पकड़ कर उन्होंने बदतमीजी की, खींचा, गाली गलौज करी, मार पिटाई भी करी। तो आज हमने SHO रोहतास ढूल को सस्पेंड करने की मांग, और जो उस समय का तत्काल आयुक्त था दीपक, जिसने केस को जुठलाया था, झूठ बोलना काम कराया, केस को दबाया और अनारकली को सीधा सीधा आरोपी घोषित कराया। अगर वो आरोपी होती तो अब 5 महीने बाद जो दूसरे समाज के लोग थे उन पर FIR क्यों की? इसका मतलब तो निर्दोष है वो सारी, वो भी दोषी नहीं है। तो उसका हमने आज पुतला दहन किया जींद प्रशासन का। महावीर जी, जो एक आधे अधूरे न्याय की बात आप रामकली जी के बारे में कह रहे हैं, उसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। आधा अधूरा न्याय कैसे मिला रामकली को, क्या बात है? सबसे पहले तो सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, और मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, वो इस नारकली प्रकरण में न्याय दिलाने के लिए कदम कदम पर हमारे संगठन का साथ दे रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं भाई नारकली को जो है पूर्ण रूप से न्याय मिले। आधा अधूरा न्याय इसलिए कह रहे हैं जी, एक तो 5 महीने बाद लेट, वो किस प्रताड़ना से गुजर रही है, अकेली महिला है, वो हर रोज़ लड़ रही है उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी, परिवार नहीं है उसके साथ, हमारे को संगठन की कोई रिश्तेदार नहीं है किसी की भी, हम सिर्फ एक अपने समाज में भाई ज़रूरतमंद महिला और अकेली है, इसलिए उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भी। उसका बीच बीच में इतना मनोबल टूटा है, वो सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो वो दबंग मानसिकता वाले विशेष समुदाय वाले हैं, वो हर रोज़ उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा अत्याचारी हमारा जींद का प्रशासन है, जो उसकी सुनने की बजाय जो दबंग मानसिकता के हैं, हम ये नहीं कह रहे भी विशेष समुदाय से हैं, लेकिन उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो नहीं देख रहे। और एक जो महिला है अकेली है, उसको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, अब भी उसको पिछली साल 24 तारीख के जो विपक्ष था, अलग समुदाय था, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, उसके बावजूद भी उससे साबित हो जाता है वो निर्दोष है, उसको रास्ते में रोक के पकड़ के अंदर बंधक बनाकर पीटा गया है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले उसके पास बार बार नोटिस भेजने लग रहे हैं 3-4 दिन लगातार, मतलब पूरा जींद में एक वही अपराधी है क्या? मतलब एक लाचार अबला महिला का जहाँ सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसके विपरीत जो प्रशासन है उसकी मतलब बिल्कुल राक्षस बुद्धि कहेंगे वो, उसको प्रताड़ित बिल्कुल सुसाइड करने की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है भी उसको जो भी उस प्रकरण में शामिल थे उसको पिटाई करने में, मारने में हर रोज़ प्रताड़ित कराया जा रहा है उसको मानसिक रूप से, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए और नारकली के खिलाफ जो है मुकदमा बिल्कुल खारिज कराया जाए। लेकिन हरीश जी, जो आपकी वर्तमान सरकार है जी, जो भाजपा सरकार है, भाजपा के विधायक जींद में, इन लोगों से आप मिले होंगे तो इन्होंने क्या कहा? देखिए, वर्तमान हमारी सरकार नहीं है, हमारे विचारों की सरकार जरूर है, पर हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए हर हिंदू बराबर है, हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं के हित में सोचना वो हमारे लिए सर्वोपरि है, सरकार हमारी कोई नहीं है। सरकार अगर किसी भी आए कल नहीं, सरकार के नुमाइंदों से अगर आपने बात करी तो उन लोगों ने क्या कहा इस बारे में? हम सरकार के किसी भी प्रतिभागी से नहीं मिले, ना हम MLA से मिले हैं, हमारा संगठन वो जनमानस संगठन है, हम धरातल पर आवाज़ उठाएंगे, जिसको मिलना है चाहे कोई भी हो हमसे मिले, हम हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे, इससे हम किसी से नहीं मिले हैं। तो आप किसी भी विधायक से, किसी मंत्री संतरी से नहीं? नहीं, किसी से नहीं मिले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार में ऊपर बात पहुंचाने की अनिल विज से, क्योंकि उन पर ये थोड़ा भरोसा है कि वो निष्पक्ष जांच करवाते हैं, तो संगठन का डेलीगेट जो हमारा हरियाणा का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हरियाणा, वो उनसे मिलेंगे, पर अभी हम धरातल पर आवाज़ उठाएंगे, आम जनमानस को खड़ा करेंगे, पूरे समाज को खड़ा करेंगे, और जो इनका दबंग व्यक्तियों का जो चेहरा है जींद पुलिस की नाकामी है वो सारे समाज को दिखाएंगे हम। नहीं, फिर जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का,
जी। अब शहर में उन्हीं का विधायक है, उन्हीं की स्टेट में सरकार है, तो ये क्या दावा, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, अगर ये अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये नारा मेरे हिसाब से तो मैं तो फैल ही समझूंगा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, क्योंकि इसमें 5 महीने से लंबित जो मामला है, सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है उस महिला पे। ना तो प्रशासन नींद से जाग रहा है, ना कोई MLA यहाँ का नींद से जाग रहा है, ना कोई सरकार सुन रही है, केवल हमारा जन संगठन है बजरंग दल, यही आवाज़ उठाने पर लगा हुआ है। और अगर बेटियों की असल में सुरक्षा करनी है तो ऐसी अगर जरूरत पड़े तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए। तो ये जींद में बजरंग दल के सदस्य थे, जींद में अनारकली प्रकरण चल रहा है कि इनसे अनारकली को किसी विशेष समुदाय ने परेशान किया, ऐसा इन लोगों का कहना है, और प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है। आज भी ये उसी मामले में प्रशासन से मिले थे, अनारकली को जो आधा अधूरा न्याय मिला है उसके बारे में सरकार को चेताया था। नमस्कार, दैनिक पर मंजीत गौतम।